अब तो थोड़ा चलो थोड़ा फोटो ले जा थोड़ा दिल्ली फोटो ले जा देखिए एक अफसोस की बात है, ये जो डेली वेजर हैं, जितने भी डेली वेजर हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। परमानेंट ने कम काम किया है, इन्होंने ज़्यादा काम किया। एक तो इनकी अफसोस की बात है कि जो किसी की अगर कोई मजदूरी करता है, लेबर करता है, तो उसकी पेमेंट उसको देना पड़ती है, लेकिन इनका बकाया भी नहीं गवर्नमेंट ने दिया। मुझे एक बड़ी अफसोस की बात है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, हमारी अपनी गवर्नमेंट है जहाँ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है। जब ये भर्ती हुए उस वक्त पानी की इतनी किल्लत थी, इन लोगों ने दिन रात काम किया और मेहनत और लगन से काम किया। इनकी पे बड़ी छोटी सी थी, पे तो नहीं मिली, लेकिन इनका बकाया है। ये हमारे ये डंडी गुटू से हैं, बालकृष्ण जी हैं, ये रिटायर हुए, इनका अभी कितना बकाया आपका? 70 महीने की पे है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा, मोदी जी के आगे प्रार्थना करूंगा कि इनका कम से कम इनका बकाया तो दिया जाए। आज धन्यवाद देता हूं मैं जो परमानेंट मुलाजम है, जो परमानेंट मुलाजम है, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने पाई पाई जोड़ के ये डेली वेजर है, डेली वेजर परमानेंट कोई नहीं है, डेली वेजर 1300 रुपया, डेली वेजरों ने 300 रुपया डालकर इनको सम्मानित किया। तो मैं यही कहूंगा, कम से कम देखो, किसी के यहाँ को मजदूरी करता है, जब वो मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी उसको देनी पड़ती है, लेकिन अफसोस की बात है कि इनका बकाया भी अभी तक नहीं मिला। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इनका बकाया तो दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे कोई परमानेंट आदमी भी कोई नहीं आया है, ये एसडीसी है हमारे बेचारे, इनने हमारी हेल्प नहीं की, सब डेली में। अच्छा, परमानेंट एक भी नहीं आया? ये आए बेचारे एसडीसी आए हैं। देखिए, ये भी बड़े अफसोस की बात है ना, जे एक तो मेरा ख्याल परमानेंट रहे भी नहीं होंगे। तो यही से आपकी कोई मदद नहीं की ना, किसी ये हम डेली वेजर को नहीं किया, पैसे सिर्फ डेली वेजर इलेक्शन कर दिए थे, इलेक्शन किया। तो मैं यही कहूंगा कि जो पीछे बकाया रहे हैं, सरकार के आगे रिक्वेस्ट करूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बकाया रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो बेचारे रिटायर हो गए हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, 25 साल, आज उनकी औलाद भी उनको गालियां दे रही है कि क्या वो कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे उन बच्चों को, आज वो बच्चे जवान हुए हैं इनके, छोटे छोटे थे। तो लिहाजा मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इन गरीबों का बकाया दिया जाए, और जो बकाया हमारे डेली वेजर, हमने इलेक्शन के दौरान भी इनसे अपील की थी कि आप, ये कहने लगे वोट नहीं देंगे, हमने कहा वोट दो, हम अपनी सरकार के आगे अपील करेंगे, मोदी जी को वोट दो, सरकार के आगे अपील करेंगे कि आपको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आज बड़े दुख की बात है कि इसने छोटी उम्र में वो काम करके दिखाया है जो परमानेंट आदमी नहीं काम, और कम से कम JEE एक्शन आज उनमें से कोई भी नहीं। वो कितनी कितनी तनख्वाह लेने वाले, अगर वो 1000-1000 रुपया भी देते तो इसका मनोबल जो था वो बढ़ता।
लेकिन उन लोगों ने आज ये डेली वेजरों ने जो इनके साथी हैं उन्होंने ही 300-300 रुपया डाल करके आज ये टकला देकर इनको विदाई दी। जय हिंद, जय शुक्रिया हमारे सबका सरपंच श्री उत्तम जी जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए कुछ बातें की, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।